अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आज हम आपके लिए ईद की रेसिपी बना रहे हैं जो कि सबकी फेवरेट है, आई थिंक सो पूरी दुनिया में खाई जाती है, जो हम सब ईद सेलिब्रेट करते हैं। शीर कोरमा बना रही हूँ और मैं कैसे बनाती हूँ आज आपको वो दिखा रही हूँ। शीर कोरमा भी आजकल बहुत स्टाइल से बहुत डिफरेंट चीज़ों से बनता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारे घर में खाया जाता है। तो उसके लिए इंग्रीडियंट्स आपको बता दूँ, 4 कप दूध है मेरे पास और 1 कप सेवैयां हैं। सेवैयों का पैकेट ऐसा है, ये वाला है, तकरीबन मैंने आधा पैकेट लिया है। फिर मेरे पास छुआरे ज़्यादा हैं, 3, 6, 7, 8, 9, 10, और कंडेंस मिल्क है 3 कप, 3/4 क्वार्टर, और शुगर है मेरे पास 1/2 कप, 2 टेबल स्पून बादाम है, पिस्ते हैं, चिरौंजी है, ये इंडियन आई थिंक सो है, मुझे अच्छी लगती है उसमें बहुत ज़्यादा, आप भी ट्राई कीजिएगा आपको पसंद आएगी। और ज़ाफ़रान मैंने दूध में डाल के रखा हुआ है थोड़ा सा। इलायची मैं डालूंगी, इलायची मैं निकालना भूल गई, अभी इलायची मैं डालूंगी 4 साबुत वाली छोटी इलायचियाँ, वो उसमें दूध में डालूंगी। तो उसका पहला आपका स्टेप यही है, आपने दूध लिया, सबसे पहले तो दूध को पकने रखना है आपने, और दूध को अच्छा पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। पर ज़्यादा बनाती हूँ आज, तो ये आप लोगों के लिए बन रही है ईद से पहले, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैंने हाई हीट पर किया, फिर इसको मीडियम पर कर देंगे जब उबाल आएगा। मैं ये 4 पीस इसके इलायची के डाल रही हूँ, जो कि सबको, किसी को भी पसंद नहीं उनका टेस्ट, इतने बुरे टेस्ट के लगते हैं सबको, पर मैं निकाल दूँगी इन्हें बाद में। इस पर आपने नज़र रखनी है कि नीचे ना रख जाए अगर तेज़ आंच पे है, तो जब बॉयल हो जाएगा फिर आप मीडियम पे करके इसको छोड़ दें। शीर कोरमे आपको पता है छुआरों के बगैर तो बनता ही नहीं है। अब इनको आप गर्म पानी में भिगो लें, मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है, मैं इनको तो पूरा ऐसे ही साबुत उसमें डाल दूँगी। हाँ, ये अभी भी नरम नहीं हुए क्योंकि मैंने इन्हें पानी में अभी अभी डाला है, तो आप इनको तकरीबन 1-2 घंटे पानी में भिगो दें और उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको काटने में आसानी होगी। मैं इनको लंबे लंबे काट रही हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जैसे काटना है वैसे काट लें। छुआरे हैं वो मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ, 1 बॉयल 2 बॉयल के बाद मैं इनको निकाल लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक, और इनका फ्लेवर भी दूध में अच्छी तरह आ जाएगा। दूध बॉयल हो रहा है, अब मैं इसको हल्की मीडियम से कम पे हीट पे करके इसको छोड़ दूँगी, इसको पकने दूँगी। इतनी पे हीट पे मीडियम पे रखें आप कि आपको पता हो कि दूध पकता, मतलब उबल रहा है, ताकि रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा, ताकि इसमें थिकनेस आ जाए थोड़ी सी। फ्राई पैन लेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये अनसॉल्टेड बटर है, इसमें ये चिरौंजी गया, बादाम गया, छुआरे उसमें नहीं डाले हैं, तो मैं छुआरों को भी इसी में डाल देती, लेकिन मैंने छुआरे उसमें डाले हैं। इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी जो स्मेल है वो आ जाए बाहर, और उसके बाद इसमें हम सेवैयां डाल के उनको फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट में इसमें आपको नट्स में आप जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं, और क्या होता है वो वॉलनट है, और क्या कहते हैं किशमिश है, पर मुझे किशमिश और वो हम लोग मुझे नहीं पसंद आते, मुझे यही पसंद आता है, इसलिए मैं वही दिखा रही हूँ जो मैं डालती हूँ। खुशबू आई, चले अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब मैं इसी में ये डाल रही हूँ सेवैयां, मुसलसल हट चलाते रहना है वरना ये एकदम से जल जाती हैं। ये देखें, अगर सेम कलर नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। मुझे थोड़ी ब्राउन सी अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा कर रही हूँ, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें आप इसका कलर देख लें, इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगी। ये देखें अब बल्कि जलने लग गई हैं, मैंने इनको हटा दिया है। तो ये मैंने 1/2 कप चीनी ली है, पर मैं इसको कम कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो ज़्यादा लिया है कंडेंस मिल्क, तो मैं 1/2 कप से थोड़ी सी कम मैंने डाली है, और इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब देखेंगे दूध ऑलरेडी गाढ़ा गाढ़ा लगने लग गया है, अब इसमें से मैं एक छुआरा निकाल के देखती हूँ, अगर वो सॉफ्ट हो गया तो उनको काट लूँगी। ये देखें आपके अब सॉफ्ट हो गए और आराम से कट रहे हैं। अब इसमें दूध देखें आप अच्छा खासा थिक हो गया, अब मैं इसमें ये सेवैयां डाल रही हूँ। ये देखें छुआरे और सारा जो आपने वो फ्राइड किए थे वो सब डाल दिए इसमें। छुआरों की क्वांटिटी आपने देखा होगा डबल है ऑलमोस्ट जो उसमें थे, लेकिन अभी भी मैंने उसमें से थोड़े से रख लिए गार्निशिंग के लिए और वैसे ही खाने के लिए।
अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये आपकी सेवइयां थोड़ी सी फूल जाएं। इसमें शीर कोरमा मैं थोड़ा सा वाटरी रखती हूँ क्योंकि शीर कोरमे का वो लज्जत मेरे ख्याल वो अच्छा लगता है, ड्रिप करता हुआ खाता हुआ ईद के दिन वो अच्छा मज़ा आता है। लेकिन ये फिर भी गाढ़ा हो जाएगा अभी क्योंकि ये पकेगा और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। और मैं इसमें ये ज़ाफ़रान डाल रही हूँ, देखें कि ये कितना गाढ़ा हो गया। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसको सर्विंग करते हैं। अब देखें इसमें मैंने नट्स कितने डाले। शीर कोरमे का यही होता है कि इसमें नट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि इसको गार्निशिंग करने का ज़रूरत ही नहीं। आप देखें कि ऑलरेडी इसमें कितने ज़्यादा हैं। शीशे के उसमें कभी भी गर्म चीज़ डालने लगे तो स्टील का चम्मच रख लिया करें ताकि वो क्रैक ना हो जाए। तो ये मैंने रखे थे इसके लिए ऊपर डालने के लिए, पर ये सब डूब जाएंगे तो नहीं डालते इनको, छोड़ो। चले हम आपका शीर कोरमा आज तो दोबारा नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि अभी भी रमज़ान है। आज यहाँ पे 26वां रोज़ा है और जुम्मतुल वदा है। लेकिन आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आज 27वें की शब होगी, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। प्लीज़ आप वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल द गुड स्टफ़। एंड शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।